हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हम लोग का सब्जेक्ट है सिविक्स और टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है, वो है स्टैंडर्ड 7th का। ओके, स्टैंडर्ड का 7th स्टैंडर्ड का सिविक्स का पहला टॉपिक है। ओके, तो चलो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहता है और कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरी क्यों है। ओके, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो पहले हम लोग जान के लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या। द बुक्स इन विच ऑल प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री आर मेंशन टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक वे इट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। ओके, वो पुस्तक है जहाँ पे अपना देश अच्छे से चलने के लिए कुछ कानून और कायदे लिखे रहते हैं, उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दिस मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री, जहाँ पे कानून और कायदे लिखे रहते हैं। ओके, जैसे कानून और प्रावधानों का लिखित रहता है, उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव elected by the people. Okay, it is bound to carry out the administration of a country as per the provision of constitution. जो constitution book में जो लिखा रहता है, जो कानून रहते हैं, जो कायदे रहते हैं, प्रावधान रहता है, उस हिसाब से हम लोग अपना देश चलाते हैं, वो हम लोग follow करते हैं, वो rules and regulations हम लोग constitution में लिखे हुए वो हम लोग follow करते हैं। Okay, well, तो अभी हम लोग देखेंगे provision in the constitution. Okay, provision क्या है? Provision यानी क्या? प्रोविजन यानी संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान क्या है। ओके, द प्रोविजन ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। हम लोग जो प्रोविजन लिखे हैं, जो कानून प्रावधान लिखे हैं, वो डिफरेंट चीजों के हैं, जैसे कि सिटीजनशिप, राइट्स ऑफ सिटीजन, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, सब्जेक्ट ऑफ लॉ बी मेड बाय द गवर्नमेंट, ये सब चीजें उसमें लिखे हुए हैं। ओके, ऑलमोस्ट ऑल कंट्री हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग। जब सब कंट्री ने, ज्यादा से ज्यादा कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, एक्सेप्ट किया है। ओके, ये द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्री इज डिफरेंट। सब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अलग अलग है। हर एक कंट्री में कानून कायदे लॉज अलग अलग है। ओके, सब कंट्री में सेम नहीं है। ईच कंट्री ट्राइज टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नॉट ओनली सूटेड टू इट्स नीड एंड ऑब्जेक्टिव। हर एक कंट्री ऐसे कानून कायदे बनाती है जो अपने कंट्री में सूट होंगे और वो अपने कंट्री में जरूरत है। ओके, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्या? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन किसे कहते हैं। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन किसके कहते हैं, which is included in the administration of country. Government has to make a law relating to several subjects. मतलब गवर्नमेंट को लॉज बनाने पड़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, such as defending the boundaries, protecting the people from external aggression. तो ये सब चीजों हम लोग लॉ क्यों बनाते हैं? इंसानों को क्या मिलना चाहिए? सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जैसे हम लोग करते हैं कि अगर लोग डरते हैं कि अगर मैंने ये किया तो मुझे ऐसे मेरे ऊपर ये पुलिस मेरे पे कुछ तो कानून करेंगे, तो लोग डरते हैं। सो इसके लिए ये क्यों डरते हैं? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लॉज है। ओके, सो गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग अबाउट अ डिजर्बल चेंज इन सोसाइटी बाय इम्प्लीमेंटिंग लॉ। गवर्नमेंट क्या करती है, ये लॉ क्या करती है, सोसाइटी में डालती है। तो लोग क्या करते हैं, वो लॉ को डरते हैं इन शॉर्ट। ओके, क्योंकि कोई भी नहीं तो खून खराबा ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं, पर अब लोग डरते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ऐसे करने पे आपको ये सजा हो सकती है। ओके, हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, वी शैल नाउ सी हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव मेड। बैकग्राउंड क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। India became independent on August 15 August में India independent हुआ 1947. Before the British ruled over India, they have divided India into provinces like Bombay. पहले हम लोग कैसे divide करते थे, Bombay, Bengal, Madras ऐसे किया जाता था for the convenience of administration. ये administration पर, administration के convenience के लिए हम लोग Bombay, Bengal, Madras ऐसे divide हुए थे। Okay, then
द एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविजन वॉट कैरिड आउट पीपल रिप्रेजेंटेटिव सिमिलरली द लोकल प्रिंसेस वॉट कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन सम एरिया सच एरियाज वर नोन एज प्रिंसेस princely states and their chiefs were known as princes. The representative of the provision and the princely states were included in the Constitution Assembly. There were total 299 members in the Constitution Assembly. Dr. Rajendra Prasad was the president of the. ये जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है. ये कौन है? ये प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है. पर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बाबा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है. इन्होंने क्या किया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया, ये चेयरमैन थे ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी. ओके, इन्होंने ही हैड स्टडीड द डेप्थ. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डेप्थ में पढ़ा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने बाकी के कंट्रीज का भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डेप्थ में पढ़ा. ही स्टडीड डे एंड नाइट टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने रात दिन रात एक करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा. द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय वाज प्रेजेंटेड टू द. उन्होंने जो ड्राफ्ट लिखा वो क्या किया, उन्होंने प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में. ओके, उन्होंने क्या किया वो प्रेजेंट किया. ओके, इट वाज डिस्कस आर्टिकल बाय आर्टिकल. मेनी अमेंडमेंट्स वर सजेस्टेड बाय डिफरेंट मेंबर्स. डॉक्टर बाबा साहब हैंडल द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट. ये जो असेंबली में उन्होंने क्या किया, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था वो उन्होंने प्रेजेंट किया. ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके लिए उन्होंने वो ड्राफ्ट बनाया, इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट कहते हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहते हैं, अलग अलग टाइप के रूल रहते हैं, लॉज रहते हैं, कानून रहते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, उससे हम लोग का देश चलता है. और लॉज रहना, रूल्स एंड रेगुलेशन रहना हम लोग के देश में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए हम लोग का देश अच्छे से चल रहा है. नहीं तो वो कानून नहीं रहता, तो हर एक जन अपनी मर्जी से रहता, तो वो हम लोग के कंट्री के लिए बहुत धोखादायक रहता. ओके, सो इस तरह से द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनेक्टेड एंड कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड. कभी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हुआ 26 नवंबर 1949. देयरफॉर 26 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे. हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, कभी मनाते हैं 26 नवंबर को, उस दिन वो अडॉप्ट हो गया. द कंट्री बिगेन टू बी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन. हम लोग की कंट्री क्या हुई, गवर्न्ड हुई. ओके, हम लोग के कंट्री में लॉज आए, हम लोग को लॉज मिले, हम लोग को कानून कायदे क्या है वो पता चले. ओके, कभी 26 जनवरी द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1949 अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कभी हुई 1949 में आया, और 1950 में हम लोग ने वो अडॉप्ट किए, एक साल लगा. द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस डे. दिस देयरफॉर 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे. सो 26 जनवरी को क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे. द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस, उस दिन हम लोग का 26 जनवरी में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, तो उस दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे. ओके, तो ये देखो आप देख सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रेजेंट कर रहे हैं उनका ड्राफ्ट किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. वो कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ओके, तो आपका होमवर्क ये है कि आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुआ चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का, स्टैंडर्ड 7 के टेक्स्ट बुक में सिविक्स का नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 के नीचे कुछ प्रश्न उत्तर दिए, वो आपको सॉल्व करने हैं. ओके, और मुझे फोटो खींच के सेंड करना है. और सबके पास टेक्स्ट बुक रहेगी, अगर किसी के पास नहीं रहेगी तो मुझे पूछो, मैं आपको टेक्स्ट बुक देती हूँ. ओके, मैं आपको ये सवाल भेजती हूँ. ओके, तो ये आपका होमवर्क है, उसके नीचे दिए हुए प्रश्न उत्तर आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है. ओके, किसी को डाउट रहेगा, नहीं समझ में आ रहेगा तो मुझे कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए. ओके, तो ये देखो ये हिंदी में भी है, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ. ये देखो, ये आपको ये 1 2 3 4 ये चारों की चारों आपको सॉल्व करने हैं और मुझे सेंड करने हैं. ओके, थैंक यू. किसी को डाउट रहेगा, नहीं समझ में आ रहेगा तो मुझे कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए. बाय.